नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम मौजूद हैं सुधीर गोट फार्म जहानाबाद बिहार पे, और इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं बकरी में कृत्रिम गर्भाधान। और ये जो बकरी है ये ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल पे कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, एआई कैसे होता है, ये आपको डिटेल पे क्रम से हम समझाने जा रहे हैं। वीडियो बिल्कुल गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुधीर कुमार, एनिमल हेल्थ वर्कर। अच्छा, आप सुधीर कुमार को अच्छे से जानते हैं। और ये हैं कौन? मेरे मित्र हैं, हाँ, रजनीकांत जी। अच्छा। ये भी एनिमल हेल्थ वर्कर ही हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट सेक्टर का वैक्सीनेटर भी हैं। वैक्सीनेटर हैं। तो ठीक है, तो बकरियों को यहाँ सीमन लगेगा। और बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, खाली सिर्फ अंतर ये रहा कि हम बकरी की दुनिया में कार्यरत हैं। हाँ। और एक गाय भैंस की दुनिया में कार्यरत हैं। तो ऑर्डर आता है तो बकरियों का भी लगाते हैं। मेरे पास सीमन के लिए कॉल आता है तो इनके पास फॉरवर्ड करते हैं। हाँ। और हमेशा अपनी सर्विस अपने इलाका में देते रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि बकरियों में सीमन कैसे लगता है, खास करके ब्लैक बंगाल बकरी पे सीमन कैसे लगता है, ये हम डिटेल के साथ आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहां पर उंगली रख दें, इससे होगा ये आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। ये जो पकड़े हैं इसको क्या क्या बोलते हैं बोले? स्पैकुलम। ओके। ए आई गन। ओके। ए सीथ है। ओके। ये सीमेन रखने के लिए थर्मस है। अच्छा। अच्छी कंपनी का, मिल्टन का। अच्छा। इसमें स्ट्रा है। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन दिखा दीजिए। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, हाँ, जो बाफ की तरह बिग रहा है दूर से ना। हाँ, हाँ, इसमें अंदर लिक्विड है ऐसे देखिएगा। हाँ, 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 वो देख लिया। ठीक है, इसी में हम लोग सीमेन रखते हैं। हाँ, एक जहाँ बड़ा कंटेनर से छोटा कंटेनर में बकरी के। ये अच्छा कंटेनर है, कितने में आता होगा ये? ज़्यादा पैसे में नहीं आता है ये, आपको 400-500 के बीच में मिल जाएगा। 400-500। यस। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये है बकरी। ठीक है, ये सुधीर जी हीट में आए, इसकी पहचान कैसे करें ये जरा समझाओ। हीट में जब आएगी तो पहले तो बकरी खूब चिल्लाती है और दूसरे बकरी पर फाड़ने की कोशिश करती है, यानी कि चढ़ने की कोशिश करती है। हाँ। बार बार पेशाब करेगी, बार बार पोंछ हिलाएगी। हाँ। ये आप देख कर पता कर सकते हैं। हाँ। या उसका योनि मार्ग को ऐसे हल्का सा फैलाइएगा। हाँ। तो अंदर हल्का सा गुलाबी रंग का रहेगा, और ज़्यादा हीट में रहेगी तो रेडिश कलर का भी हो सकता है, और कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं बिना बकरा के कि बकरी हीट में है। अच्छा, नहीं तो फिर बकरा इसको पीछे लाएगा तो पता चल जाता है। ओके, और ये हीट में आने के बाद कितने टाइम पे ये काम करने हैं? देखिए, बकरी हीट में रहती है एवरेज 40 घंटा तक, 36-40 घंटा, लेकिन कोई कोई बकरी 72 घंटा तक भी हीट में रह जाती है। हाँ। लेकिन जब हीट में बकरी आ जाए, हाँ, तो तुरंत नहीं क्रॉस कराना चाहिए, या हाँ, बकरा से या एआई भी। हाँ। कम से कम 8-10 घंटा बात करना चाहिए। अच्छा। और अंतिम जो 40 घंटा बता रहे हैं उससे 6 घंटा पहले। हाँ। एक करना चाहिए। हाँ। अब पता, सेंसर तो लगा हुआ है नहीं, कैसे मालूम चलेगा? हाँ। कि कब हीट में आई थी। हाँ। मालूम चला कि सुबह में आई है, आप 2 घंटा बाद आई कर दिए। हाँ। तो ठहरने का चांसेस कम रहेगा। अच्छा। इसलिए आप जब एक बार कराते हैं तो 12 घंटा के अंतराल पर दोबारा भी करा लीजिए। अच्छा। तो चांसेस ज़्यादा रहेगा। अच्छा। और इसका सफलता का रेट मेरा अपना अनुभव जो रहा है 80% तक है। अच्छा। डिपेंड करता है टाइमिंग और करने वाला के हुनर के ऊपर। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ये थर्मामीटर हुआ। ओके जी। आइडियल मीटर के रूप में हम लोग इससे काम लेते हैं। ओके। पानी को जो है, हाँ, इस तरह से, ये ज़्यादा टेम्परेचर में है तो इसके 37 डिग्री टेम्परेचर में इसको मैनुअल करते हैं। ओके, समझ गए? ठीक है। मैनुअल करने के बाद ये बकरी का सीमेन हुआ। हाँ। इस सीमेन को पहले ये आइडियल पानी में इसको डालेंगे। ओके। और ये एक तरफ रुई का होता है। अच्छा। और एक तरफ ये बंद किया हुआ रहता है, इसको। अच्छा। हम लोग कैंची या ब्लेड से या कटर से, कटर अभी हम लोग के पास छूट गया है। ओके। इसलिए हम ब्लेड से काट कर इसको हम आप लोग बता रहे हैं। ओके। नया ब्लेड होना चाहिए एकदम सेम। ओके। एकदम तिरछा नहीं कटना चाहिए, अगर सेम कटेगा तो इसका जो लिक्विड है वो अच्छी तरह से निकलेगा। ओके। और इस तरह ये आपका सीथ है। हाँ। ये आई सीथ है। हाँ। इससे बचदानी में कोई तरह का खरोच नहीं आता है। अच्छा, समझ गए। ये आई गन है। हाँ। ऐसे इसका छोटा गन भी आता है, लेकिन हम लोग अभी
बड़ा गन से ही दे देते हैं। ओके। और इस तरह से सेट करके, आइडियल सेट करके लिक्विड को पहले पहचान लेते हैं। लिक्विड इस तरह से आ गया। हाँ, और हाँ। ये स्पार्कुलम है। हाँ। स्पार्कुलम पे हम लोग बीटाडीन से इसको पहले एंटीसेप्टिक से धो देते हैं। ओके। धोने के बाद स्पार्कुलम को रोटेट करके, ये नहीं हाँ। कि कोई खरोंच आ जाए, बचदानी बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ। एक आदमी ऐसे पकड़ लीजिए, एक आधी पकड़िए पहले। हाँ। इस तरह से पहले भेजिना को साफ कर लेंगे। बीटाडीन लगी में है, भेजिना को बीटाडीन। हाँ। या कोई भी एंटीसेप्टिक से। हाँ। साफ कर लेना है। हाँ। और इस तरह से इस स्पार्कुलम को धीरे 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 इस तरह से स्पार्कुलम के द्वारा। अच्छा, भेजिना को देख लेना, देख लीजिए इधर से दिखा, दिखा लीजिए। बाहर निकल गया। आ रहा है देख लीजिए। हाँ, ठीक है, एकदम डिस्चार्ज कर रही है बकरी। हाँ, देखिए, देख लीजिए आ रहा है। हाँ, डिस्चार्ज पूरा अंदर तक देखिए, पूरा इसका सर्विस अच्छी तरह से देख रहे हैं हम लोग। हैं, मूवमेंट कर रही है बचदानी, इससे पता चल रहा है कि ये बकरी स्ट्रॉन्ग हिट में है। हाँ। और इसको भेजना स्पार्कुलम के थ्रू, हम लोग स्पार्कुलम के द्वारा हम लोग इस तरह से कृत्रिम विधि से AI कर चुके हैं। ठीक, फिर अच्छी तरह से स्पार्कुलम धीरे धीरे रोटेट करके। हाँ। अच्छी तरह से ओके निकाल दिया ना, और दो तीन मिनट तक उसी तरह पकड़े रहेंगे। पकड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, रहेंगे। हाँ। ओके, कम से कम तीन मिनट चार मिनट। ओके, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हाँ। तो कंसीव करने का रेट आपका घट जाएगा। ओके, इसी में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। ठीक, हीटिंग पीरियड और ए। हाँ, इसमें लोग गलती करते हैं, इसमें लोग गलती करते हैं। ओके, हालांकि बेसिक नॉलेज अपने ट्रेनिंग सेंटर में बताते हैं। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या है ये बताइए। इसकी उपयोगिता ये हुई कि मान लीजिए कोई दो बकरी रखे हुए हैं। हाँ। और दो बकरी रखे हुए हैं, वो बकरा रखेगा तो उसकी खर्च तो बढ़ जाएगी। हाँ। और AI का दिशहरा लेता है। हाँ। तो उसको बकरा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कर सकता है। अब सपोज कीजिए कोई ब्लैक बंगाल का फार्म, मतलब 18,000 से 20,000 के बकरे के खर्चे को AI बचा देगा। ये कह और बकरा रखे सिर्फ 18,000-20,000 नहीं ना, उसको डेली खर्च भी तो है, खाना खिलाने डेली उसको पालने में खर्च भी है। नस्ल देने में सुविधा होगी, अच्छी नस्ल क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं तो अच्छा नस्ल आएगा। अच्छा, जैसे ब्लैक बंगाल है तो इसमें अच्छा नस्ल करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? बंगाल, बर्बरी और बिट्टल तीन का उपलब्ध है। यहाँ पे ब्लैक बंगाल, बर्बरी और बिट्टल का उपलब्ध है। ठीक है, और इतना डिमांड रहता है बर्बरी का, वो अक्सर आउट ऑफ मार्केट ही रहता है। ये था कृत्रिम गर्भाधान का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और कुछ जानना है तो नीचे नंबर जो है फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करके समझ सकते हैं। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश।